कॉपी फराहम की जाए। 34 साल तक खामोश रहे, अचानक गिरफ्तार कर लिया एहतजाज अहसन के दलाए। और मनी लॉन्ड्रिंग केस अमसर शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के 27 मार्च तक के जुडिशियल रिमांड में तौसी। मतवालों किनारे सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद के लिए रवाना। उस्मान बसार कोरोना वायरस से मुतल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। कोरोना वायरस का खतरा, पंजाब में हंगामी हालात नाफिज। एजुकेशन कॉलेज में 23 मार्च तक छुट्टियां दे दी गयी। जूनियर स्कूल के बच्चों की क्लासेस 23 मार्च तक के लिए बंद रहेंगी। सीनियर स्कूल के तलबा के हाथ मिलाने पर भी पाबंदी। कोरोना वायरस फैलने का खतरा, पंजाब में मेडिकल इमरजेंसी नाफिज। राना लियाकत जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन कहते हैं तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, स्प्रे भी करवाया जाए। कोरोना का वार, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले को 24 घंटे ड्यूटी की हिदायत। मुलाजमीन की छुट्टियाँ मंजूर। महकमे सेहत ने जान बचाने वाली अद्वियात का स्टॉक भी बढ़ा दिया। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी लगा दी। मुसाफरों के हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी तब्दीली। इटली और जनूबी कोरिया का सफर जाहिर करना लाजमी करा। बरतानिया का कोरोना वायरस से मुतासर गरीब ममालिक के लिए बैन अल-अक़वामी मालियाती रिलीफ ट्रस्ट फंड के जरिए माली इमदाद देने का फैसला। चांसलर रशीद सिंह कहते हैं की 150 मिलियन पाउंड इमदाद दी जाएगी। फजाई मुसाफरों की मुश्किलात बरकरार। एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी और फनी खराबी। आज भी 10 परवाजें मंसूख, 11 ताखीर का शिकार। पीआईए की रियाज जाने वाली परवाज 4-5 5 घंटे लेट। वज़ीर आला पंजाब की तैयारी हादसे में शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। उस्मान बसार कहते हैं शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। कौम शहीद की लासवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा और वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं मुखालफीन 2023 तक आराम करें और आवाम की खिदमत करें। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे 13 मिनट की ताखिर से शुरू। इजलास के एजेंडे पर महकमे माल और कानूनी और के हवाले से सवालात दरियाफ्त। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब असेंबली से MTI एक्ट बिल की मंजूरी का मामला। हाईकोर्ट में बिल की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। PSL मैचेस के दौरान FC कॉलेज के तलबा की तालीमी सरगर्मियां मौत तक। हालिया बारिशों से नैब का अहम रिकॉर्ड जाया होने का खतरा। मुनासिब जगह न होने पर प्रोसिक्यूशन विंग का रिकॉर्ड पानी में खराब हो गया। मुस्लिम लीग नून के 3 नाराज अराकीन की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। निशार डाहा, अजहर अब्बास, फैसल नियाज़ी मुलाकात करने वालों में शामिल। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यार पूछेगा तो दूर गरब पूछा ही किसी ने नहीं। जवाब जो होता है वह सवाल पर होता है। वो सवाल क्या करता है उसका जवाब देना है। मुझे तो नहीं पता वो क्या सवाल करेंगे। जब सवाल करेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा। है नहीं लेकिन बन जाएगा जो इनका हाल है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी को संभालो। नाराज लीगी रुकन निशार डहा मुतहरिक। हम ख्याल अराकीन का इजलास बुलाने का इंदिया। कहते हैं कोई शोकॉज नहीं मिला। अताउल्लाह तारड़ को बस्ता उठाने वाला करार दे दिया।
वासा लाहौर के अफसरान के लिए खतरे की घंटी बज गई। वासा में गुज़िश्ता 9 माली सालों का कमर्शियल ऑडिट न होने का इंकशाफ। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की पहली बैन अलावी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमरीका, बरतानिया और मशरक वस्ता के ममालिक से माहरीन की शिरकत मतवक। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कॉन्फ्रेंस माहरीन की सिफारिशात हुकूमत तक पहुँचाएंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड हम्माद आबिद ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लेक्चर दिया। CTO लाहौर का कहना है हमें खुद में मुस्बत तब्दीली लाने की जरूरत। शहर का मौसम सर्द, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी। बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। अखबारात की दुनिया के मारूफ डिजाइनर जाहिद राना इंतकाल कर गए। सहाफी बरादरी समेत हर तबके के फर्द का इजहार अफसोस। नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा जामिया मस्जिद में अदा की जाएगी।